हुआ उसमें वहां जाकर ठहाका लगा रहे थे, ये क्यों हुआ है, ये क्यों? और अभी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई उसमें उनके पार्टी के अध्यक्ष ललन जी नहीं गए, कोई तीसरे आदमी को उन्होंने भेजा। ऐसा नहीं है कि वो कल भाजपा में जा रहे हैं, ये नीतीश कुमार की राजनीति का तरीका है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सभी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अचानक राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात करने राजभवन पहुंच जाते हैं, जिसके बाद से अटकलों का बाजार गर्म है। सियासी गलियारों से तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तो ऐसे में कोई यह कह रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और प्लानिंग के तहत उन्होंने आज राज्यपाल से मुलाकात की है। अब इस मामले को लेकर जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया सामने आई है, साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री पलटी नहीं मारने वाले हैं, क्योंकि उनके आदतों से रूबरू है प्रशांत किशोर, इसलिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं और यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बार पलटी नहीं मारेंगे, बल्कि वो जिसके साथ रहते हैं उसको हमेशा डराने की कोशिश करते हैं ताकि उसके भीतर डर रहे कि ये पार्टी कहीं पलटी ना मार दे। नीतीश कुमार की तो यह आदत है, कहते हुए नजर आए जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पहले आपका मुंह सुनवाते हैं। हुआ उसमें वहां जाकर ठहाका लगा रहे थे, ये क्यों हुआ है, ये क्यों? और अभी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई उसमें उनके पार्टी के अध्यक्ष ललन जी नहीं गए, कोई तीसरे आदमी को उन्होंने भेजा। ऐसा नहीं है कि वो कल भाजपा में जा रहे हैं, ये नीतीश कुमार की राजनीति का तरीका है। अब अपने साथ जो रहता है उसको वो डराते रहते हैं हमेशा कि अगर हमको ये नहीं करोगे तो देख लो भाई, हम उधर भी जा सकते हैं। अकल हो के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कहेंगे मेरी अंतरात्मा अब कह रही है कि भैया इन लोगों के साथ नहीं रहेंगे, इन लोग तो सब लोग एकजुट हुआ नहीं, हम तो कहे थे कि एकजुट हो जाइए, नहीं हुआ तब क्या करें, बिहार के लिए हम फिर भाजपा में जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार इस तरह की राजनीति करते रहते हैं, मैं हर दिन बताता हूं, मुझे नहीं लगता है कि लोकसभा से पहले वो छोड़कर जाएंगे, लोकसभा तक वो रहेंगे। वो क्यों महागठबंधन बनाए हैं पहले ये आप समझ लीजिए, नीतीश कुमार महागठबंधन बनाए अगस्त में, उससे पहले हमसे दिल्ली में आकर मार्च में कम से कम घंटों बैठे हैं, पटना में मिले। वो सिर्फ इसलिए आरजेडी के साथ गए कि उनको ये दिमाग में बात आ गई थी कि 24 में लोकसभा चुनाव के बाद अगर भाजपा जीत जाएगी देश में तो हमको हटाकर अपना मुख्यमंत्री बना देगा, क्योंकि इनका 42 विधायक है, भाजपा का 75 था। उसी डर से इन्होंने कहा कि भाजपा हमको 24 में हटाए, उससे पहले हम 23 में ही भाग के महागठबंधन बना लेते हैं, कम से कम 25 तक तो कुर्सी बचा रहेगा। तो 24 के लोकसभा नतीजों के बाद नीतीश कुमार किस दिशा में जाएंगे ये धरती पर कोई नहीं बता सकता है, नीतीश कुमार भी नहीं बता सकते, उनको भी नहीं पता है। वो सहूलियत के हिसाब से इतना बताया जा सकता है कि नीतीश कुमार की अपनी सहूलियत जो होगी, जो उसमें उनका अपना स्वार्थ दिखेगा, उस दिशा में वो जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान देते हुए नजर आए जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और यह कहते हुए नजर आए कि इस बार नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे, बल्कि वो तो जिसके साथ रहते हैं उसको हमेशा डराने की कोशिश करते हैं ताकि वो डर के रहे और उन पर कोई ज़्यादा प्रेशर न डाले, इसलिए नीतीश कुमार की ये सब एक्टिविटी रहती है, ये सब मूव करते रहते हैं नीतीश कुमार, कहते हुए नजर आए जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। इसी के साथ तमाम मुद्दों को लेकर, सीट बंटवारों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे और किस तरीके से लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे प्रशांत किशोर, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।